का रुख करेंगे तो तीन बदमाशों ने दिन दहाड़े लूटे हैं 20 लाख रुपए। तो बदमाशों का आतंक सोनीपत में किस कदर प्रशासन पर हावी है, इस खबर के बाद ये पता लगता हुआ दिखाई दे रहा है। तो सीसीटीवी कैमरे में लूट की ये पूरी वारदात कैद होती हुई दिखाई दी है। साईं बाबा मंदिर रोड पर लूट की ये वारदात हुई है और इसका एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है जो हम आपको दिखा रहे हैं। तो सोनीपत के कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची है, कई टीमें बनाकर लुटेरों की तलाश में पुलिस की टीमें जुट गई है ताकि इन तीनों बदमाशों को जिन्होंने दिन दहाड़े 20 लाख रुपए लूटे हैं उनको गिरफ्तार किया जा सके। तो इस तरह से ये कह सकते हैं कि सोनीपत में अफरा तफरी का माहौल इस लूट की वारदात के बाद बना हुआ है। पुलिस लगातार तलाशी अभियान चला रही है ताकि इन तीनों बदमाशों को पकड़ा जा सके, लेकिन बदमाशों का आतंक सोनीपत में किस कदर है ये साफ तौर पर देखा जा सकता है। ये सीसीटीवी फुटेज आप देखिए जो हम आपको दिखा रहे हैं, इसमें तीन बदमाश दिन दहाड़े 20 लाख रुपए लूट लेते हैं और फरार हो जाते हैं। फिर इसके बाद जो पीड़ित है वो पुलिस थाने में इसकी शिकायत दर्ज कराता है, पुलिस की जो टीम है वो जांच करने में जुट जाती है। ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी राम सिंह मार जुड़ गए हैं। राम सिंह मार, फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर अपडेट क्या है? देखिए, दिन दहाड़े बाग सवार जो गए बैंक एटीएम के कैश डालने वाले एक कंपनी के कर्मचारियों को लूट के साथ जो है लूट की घटना को अंजाम दिया गया है। और ये पूरी घटना जो है सीसीटीवी में भी कैद हुई है। सड़क के किनारे तीन युवकों ने दोनों कर्मचारियों पर लाठी डंडे बरसाए हैं, उसके बाद जो है पैसों से लेकर बैग था जो उसको लेकर वो भाग गई है। फिलहाल पूरे मसले को लेकर पुलिस इन्वेस्टिगेशन पर जांच कर रही है। और वहीं आईपीएस अधिकारी जो है मयंक गुप्ता ने बताया कि एटीएम में कैश डालने वाले कर्मचारियों के साथ लूट की वारदात सामने आई है और कर्मचारियों के पास से लगभग 20 लाख रुपए लूटे गए हैं। बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए कई टीमों का गठन कर दिया गया है और मामले की गहनता से इन्वेस्टिगेशन जारी है और जल्दी ही आरोपियों की गिरफ्तारी होगी ऐसा दावा किया जा रहा है। लेकिन अगर बात करें कि पिछले 3 से 4 दिन के अंदर इसी प्रकार से लूट की घटनाओं को अंजाम देने वाले आरोपी लगातार घटनाक्रम के बाद फरार हो रहे हैं। सोनीपत में एक सप्ताह के अंदर 3 से 4 वारदात जो है वो सामने आ चुकी है। पिछले दिनों रात को देर रात से 1,260 रुपए की लूट जो है गन पॉइंट पर हुई थी और उसके बाद पिछले दिनों सोनीपत के थाना के अंतर्गत भी एक मामला सामने आया था। इस प्रकार से 3 से 4 लूट के मामले सामने आए हैं। फिलहाल ये आज एक बड़ी लूट हुई है और फिलहाल पुलिस दावा कर रही है आरोपी की गिरफ्तारी होगी। लेकिन अगर बात करें पिछले एक सप्ताह से पुलिस के हाथ जो है लगातार खाली है और राम सिंह अगर बात करें क्या ये जो अंजाम दिया गया है इस वारदात को क्या ये प्री प्लान्ड लग रहा है पुलिस को? देखिए, इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता। पुलिस की तरफ से अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है लेकिन जिस प्रकार से सीसीटीवी में देखा जा रहा है कि युवक जो है अपनी बाइक को बीच में रोकता है, अगर उसके पास कैश था तो सिक्योरिटी के लिहाज से एक उसको वहां पर बाइक नहीं रोकनी चाहिए थी। लेकिन पूरे मसले को लेकर पुलिस की तरफ से यही एक बयान है कि इसमें जांच की जाएगी, इसमें जो भी तथ्य सामने आएंगे उसी के आधार पर कार्रवाई जो है अमल में लाई जाएगी। हो सकता है इसमें क्या कुछ है प्री प्लान हो या कोई और इसमें तथ्य हो, ये देखने वाली बात होगी। जी ठीक है राम सिंह मार, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। तो तीन बदमाशों ने दिन दहाड़े 20 लाख रुपए लूट लिए हैं और हमारे संवाददाता राम सिंह ने बताया कि पिछले एक हफ्ते में लूट की इस तरह की कम से कम 3 से 4 वारदात हो चुकी है, यानी कि सोनीपत में बदमाशों का आतंक खुलेआम देखने को मिल रहा है।